इश्क विश्क, मैं हूं ना, विवाह, मस्ती और जॉली एलएलबी जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर अभिनेत्री अमृता राव का आज यानी 7 जून को जन्मदिन है। अमृता राव आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही है। बॉलीवुड में कुछ ही फिल्में करने के बाद भी उन्होंने अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। हिंदी फिल्मों के बाद उन्होंने तेलुगु सिनेमा का रुख भी किया। एक्ट्रेस की सादगी और एक्टिंग को दर्शकों ने काफी पसंद किया। तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। और यही वजह है कि उनकी एक साफ सुथरी इमेज लोगों के मन में बसी हुई है। आज हम आपको एक्ट्रेस के जन्मदिन के खास मौके पर उनसे जुड़ी कुछ बातें बताने जा रहे हैं। मकबूल फिदा हुसैन, जो कि मंझे हुए आर्टिस्ट थे, उनके बारे में ये बात मशहूर थी कि वो बेहद कम महिलाओं की खूबसूरती पर फिदा होते थे, जिसमें से एक है अमृता राव। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को अपने कैनवास पर उतारने के बाद एमएफ हुसैन ने अमृता राव की पेंटिंग बनाई थी। मशहूर कलाकार से अपनी पेंटिंग बनाए जाने की बात सुनकर अमृता राव दंग रह गई थी। अमृता ने एक दिन बताया था कि एमएफ हुसैन ने एक बार कहा था कि माधुरी दीक्षित के बाद मेरा ऐसा चेहरा है जो उन्हें प्रभावित कर सका, ये मेरे लिए किसी ऐतिहासिक कॉम्प्लीमेंट से कम नहीं था। अमृता कहती है, ये अब तक का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट था। मैं अपने करियर के सफर को पीछे मुड़कर देखूंगी तो ये मुझे याद रहेगा। अमृता ने सोशल मीडिया को लेकर कहा, मैं सोशल मीडिया पर आने के लिए मोटिवेट तब हुई जब मैंने एमएफ हुसैन के साथ वाला वीडियो पहली बार अपलोड किया था। आपको पता होगा कि माधुरी दीक्षित को 11 सालों तक अपनी म्यूज मानने के बाद जब हुसैन जी ने मुझे अपना म्यूज घोषित किया था, वो तब का वीडियो था। विवाह फिल्म देखने के बाद हुसैन जी ने मुझे अपनी म्यूज का दर्जा दिया था। उस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कहानी थी, उसका सिलसिलेवार वीडियो मैंने बनाया था। मेरे उस वीडियो को एक हफ्ते में लगभग 1,00,000 व्यूज मिल गए थे। उससे मुझे पता चला कि इस मीडियम की ताकत क्या है। क्या आपको मालूम है कि फिल्म विवाह में अपनी सादगी से दर्शकों का दिल जीतने वाली अमृता राव को ये फिल्म 4 घंटे के इंटरव्यू के बाद मिली थी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने अमृता से मुंशी प्रेमचंद की एक किताब पढ़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो अमृता की हिंदी चेक करना चाहते थे। शाहिद के साथ अमृता की ये फिल्म सफल साबित हुई थी। अमृता राव ने साबित किया है कि फिल्मों में बिना बोल्ड सीन्स दिए भी हिट हुआ जा सकता है। अमृता राव ने कभी कोई बोल्ड सीन नहीं किया, और एक बार तो उन्होंने फिल्म में किसिंग सीन होने के कारण ऑफर को मना कर दिया था। दरअसल एक्ट्रेस को एक फिल्म ऑफर हुई जिसमें उनके अपोजिट रणबीर कपूर थे, और इसमें उनके साथ एक किस सीन फिल्माना था, लेकिन अमृता ने ये करने से मना कर दिया। जब निर्देशकों ने उनकी ये बात नहीं मानी तो उन्होंने फिल्म को करने से मना कर दिया। आखिरी बार अमृता फिल्म ठाकरे में नवाजुद्दीन के साथ नजर आई थी। इसमें उन्होंने बाला साहब ठाकरे की पत्नी का किरदार निभाया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो अभिनेत्री अमृता राव ने साल 2016 में शादी कर अपना घर बसा लिया था। एक्ट्रेस ने आरजे अनमोल से शादी रचाई थी। अमृता और अनमोल ने 2020 के नवंबर में अपने पहले बेटे का स्वागत किया और उसका नाम वीर रखा है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सभी अपडेट्स, न्यूज और गॉसिप्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।